हेलो प्यारे बच्चों, मैं अजय चौरसिया आपका अपने यूट्यूब चैनल अजय चौरसिया HLVN पर स्वागत करता हूँ। इंटरमीडिएट का सिलेबस मैंने कंटिन्यू अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया है। आज के इस वीडियो में आप इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पितलोम त्रिकोणमिति फलन को आज आप वन शॉट के रूप में यानी कि एक समरी के तौर पर कंप्लीट चैप्टर को आज के इस वीडियो में सीखेंगे। तो देखिए बेटा, मैंने कुछ क्वेश्चंस का कलेक्शन किया है जो जिनकी फ्रीक्वेंसी जो है अधिकतम बोर्ड पेपर में आने वाली रहती है। तो देखो बेटा, सबसे पहले निम्नलिखित के मुख्य मान ज्ञात करो। तो इसमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो मैं लगातार लिख रहा हूँ। मुख्य मान को पहले एक बात समझ लीजिएगा। देखो बेटा, यदि साइन इनवर्स एक्स का फंक्शन हो और साइन का व्युत्क्रम होता कॉसेक और टेन इनवर्स, ठीक है बेटा, और कॉस इनवर्स सेक इनवर्स और टेन का उल्टा कॉट। देखिए बेटा, ये एक दूसरे के व्युत्पन्न है, लेकिन ये एक दूसरे का, टेन और कॉट एक दूसरे में, तो इनकी एक निश्चित शर्त होती है। इसका अंतराल होता जीरो से पाई और यह माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू तक, यह हमको ध्यान में रखना है। यानी कि ये जो फंक्शन है, जब मुख्य मान की बात करते हैं तो बाकी ज़्यादा डिस्क्रिप्शन आपको होम पेज पर जाइएगा, प्लेलिस्ट में टोटल वीडियो बने होंगे, वीडियो आपके अपलोड होंगे, उनको आप देख सकते हो। बाकी ये जनरल बात ध्यान रखिएगा कि साइन इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स की जो बाउंडेशन है वह ऋण 90 से धन 90 के बीच है। कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स की बाउंडेशन 0 से 180 तक है। यह मुख्य मान की बात हो रही है। किसकी? मुख्य मान की, प्रिंसिपल वैल्यू। तो जैसे बेटा पहला इसमें ए पार्ट दिया हुआ है, साइन इनवर्स √3/2। तो देखो बेटा, साइन इनवर्स √3/2 हम जानते हैं, साइन 60 का होता है और 60 का मतलब हो गया π/3। तो ये आपका आंसर π/3 आ गया, ठीक। बी पार्ट इन्होंने लिया है, साइन इनवर्स साइन 7π/4। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर साइन इनवर्स साइन अभी 7π/4 को हम कट नहीं कर सकते। अब क्यों नहीं कर सकते ये भी समझिएगा। क्यों बेटा? हमारी मुख्य मान की शर्त कहती है ऋण 90 से धन 90 के बीच में मान आए और ये 7π/4 है, तो मुझे इस तरह इसको बदलना होगा कि इस मान में कुछ फर्क ना पड़े, ठीक है बेटा। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे अगर हम इसको लिखें, इस तरह लिख लें बेटा, 2π-π/4, तो 4 × 2 = 8 में से 11 7 ही लिख सकते हैं। तो आप इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन 2π-π/4, क्लियर। देखो बेटा, 2π 4 × 2 = 8 में से 11 7, साइन 360 - थीटा, ध्यान दीजिएगा, साइन 360 - थीटा यह हो जाएगा -sin θ, क्लियर। बहुत सिंपल है बेटा, साइन 360 चूंकि चौथे चतुर्थांश में होता है, 360 - θ यह हो जाएगा -sin θ, और साइन इनवर्स साइन -θ को -sin θ लिख सकते हैं। तो ये इस तरह लिख दीजिएगा, तो अब ये समाप्त हो जाएगा, तो आपका आंसर आया -π/4। तो जो भी मैंने क्वेश्चंस का आपके लिए कलेक्शन किया हुआ है, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, बहुत अच्छे प्रश्न आज आप सीखेंगे और उनकी फ्रीक्वेंसी जो है बोर्ड में आने वाली है। साइन इनवर्स माइनस का 1/√2, ठीक है बेटा। दूसरा, पहले इसी को देख लेते हैं। जैसे बेटा अगर साइन इनवर्स की बात करें तो 1/√2 45° का होता है π/4 का, और साइन निगेटिव मिलता है तीसरे चतुर्थांश में, तो तीसरे में 180 + 45 यानी ये साइन 225 का मान है अगर -1/√2 की बात करें। लेकिन मुख्य मान की शर्त है ऋण 90 से धन 90 के बीच, तो इसको आप लिख सकते हो -sin 45। तो साइन इनवर्स साइन -π/4, सिंपल। तो ये आपका समाप्त हो गया, तो आंसर आ गया -π/4। एक डी पार्ट लेते हैं जिसमें आपका कॉस इनवर्स कॉस इनवर्स -1/√2, ठीक बेटा। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 1/√2 कॉस
पाई बाई फोर का मान होता है, कॉस ऋणात्मक हमारा दूसरे चतुर्थांश में मिलता है, तो इसको आप लिख सकते हो कॉस इनवर्स। ध्यान दीजिएगा, यह कॉस 135 का मान है। देखो बेटा हम जानते हैं, इससे पहले ये समझ लीजिएगा, कॉस 135 इसको लिख सकते हो 180 माइनस 45, 180 तो ये हो गया माइनस का कॉस 45 यानी कि माइनस 1/√2। अब बेटा इसको 135 क्यों लिख सकते हैं, 135 इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि कॉस इनवर्स की शर्त, देखिए कॉस इनवर्स ये कॉस 3π/4 हो गया, तो आंसर हमारा आ गया 3π/4। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल सिंपल है, इसको आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा और आगे भी मैं अच्छे प्रश्न दे रहा हूँ इसको नोट करिएगा। आगे क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए मैंने कुछ पार्ट लिए हैं जिनको सरल करना है। जैसे बेटा एक इस तरह का दिया हुआ है साइन कॉस इनवर्स 4/5, ठीक। तो अगर बेटा हम इसको भी साइन में बना लें तो साइन इनवर्स हमारा समाप्त हो जाएगा। तो मैं आपको यह दो प्रकार से बताऊंगा, देखो सिंपल। एक तो हमारे पास एक सूत्र होता है इनवर्स फंक्शन में कि अगर हम कॉस इनवर्स एक्स को लिखें तो इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स √1 − x². तो आप इसको लिख सकते हो साइन, और यहाँ पर साइन इनवर्स √1 − x² यानी कि 16/25, तो ये 9/25 यानी कि ये तो आपका ख़त्म हो गया, तो ये आपका हो गया 3/5। एक तरीका है। दूसरा तरीका बेटा एक सिंपल, मान लो आप एग्जाम में भूल गए, सूत्र भूल गए, तब आपको क्या करना है कि ये कॉस इनवर्स 4/5 एक ट्राइंगल बना लो। कॉस क्या होता है बेटा, आधार बटे कर्ण, आधार और बटे कर्ण, क्लियर। पाइथागोरस प्रमेय लगाया तो ये आपका 3 आ जाएगा। साइन क्या होता है, इसी को हम इस तरह लिख सकते हैं कि साइन साइन इनवर्स, साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो 3/5 हो गया और ये आपका समाप्त हो गया। तो इसका मान कितना आया 3/5। तो चाहे तो आप सूत्र से कर लीजिएगा, डायरेक्ट पाइथागोरस प्रमेय लगाकर कर लीजिएगा ट्राइंगल बना के। अगला क्वेश्चन इसी में, जैसे ए पार्ट इसको मान लीजिएगा, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन का कलेक्शन किया है जो कई बार आए हुए भी है और आसानी से आप इनको समझ सकते हो। जैसे टेन कॉट इनवर्स √3, तो देखो बेटा सिंपल सा टेन, और इसको आप लिख सकते हो टेन इनवर्स 1/√3, क्योंकि कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टेन इनवर्स 1/x, ये समाप्त हो गया, तो आपका 1/√3 आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है इसी में सी पार्ट, साइन इनवर्स साइन 2π/3। देखिए बेटा अभी मैंने आपको बताया था कि जब ये इनवर्स फंक्शन हमेशा यहाँ मुख्य मान होता है, तो मुख्य मान अगर होता तो ये आपका समाप्त डायरेक्ट नहीं हुआ, क्यों 2π/3 है। तो देखो बेटा ये 90 से आगे निकल गया, तो हम इसको किस तरह हल करेंगे, साइन इनवर्स साइन π − π/3। देखो बेटा 3π − π, तो साइन 180 − थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन π/3, तो हमारा आंसर आ गया π/3। सिंपल है बेटा, वीडियो में बने रहिएगा, मैंने बहुत अच्छा आपके लिए कलेक्शन इसमें किया है। सी के बाद क्वेश्चन नंबर डी की बात करते हैं, डी में दिया टेन इनवर्स फिर ब्रेकेट लगा 2 cos, ठीक है बेटा, फिर यहाँ पर दिया 2 sin inverse 1/2 ब्रैकेट क्लोज। अब देखो बेटा इसको हम कैसे सॉल्व करें, देखो सबसे पहले इधर से करिएगा, इसको आप ऐसे लिखिएगा tan inverse यहाँ बड़ा कोष्टक 2 cos, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कोष्टक में 2 sin inverse 1/2 मान होता है sin 30 का, तो 30 का मतलब sin π/6, क्लियर। अब देखो ये आपका समाप्त हो गया, अगली स्टेप में आप लिखोगे टेन इनवर्स ब्रेकेट 2 cos, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा ये आपका समाप्त हो गया 2π/6 यानी कि π/3 रह गया। अब आगे देखिए टेन इनवर्स cos π/3, cos 60 कितना होता है, cos 60 का मान 1/2 होता है, तो ये 1 हो गया। अब टेन इनवर्स 1 tan में 10π/4 होता है, तो फाइनली ये भी समाप्त हो गया, तो आपका आंसर आ गया π/4। एक बार फिर समझ लीजिएगा,
वन बाई टू साइन में साइन पाई बाई सिक्स का होता है, यह समाप्त हो गया टू पाई बाई सिक्स यानी कि पाई बाई थ्री। कॉस पाई बाई थ्री तो ये कॉस साठ वन बाई टू और टू इन टू में, तो टू टू कट गया, टेन इनवर्स वन, वन टेन में टेन पाई बाई फोर का होता है, टेन इनवर्स भी समाप्त हो गया। इसका बेटा स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आगे चलते हैं। चलते बेटा अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न एक बहुत ही अच्छा कलेक्शन है, और देखिए बेटा ये जो क्वेश्चन मैंने कलेक्ट किए हैं ये आपके इंट्रीगेशन और डिफरेंशियल दोनों में काम आएंगे, इसीलिए मैंने इस तरह के प्रश्न आपको कलेक्ट करके दिए हैं। प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस बाई स्क्वायर ओवर 1 प्लस बाई स्क्वायर, ठीक है बेटा। ये हमको सरल करना है, देखिए बेटा यहाँ तो सरल करना है, हो सकता है डिफरेंशियल आए तो आपसे कह देंगे डी डी एक्स ऑफ दिस फंक्शन, आप इसका डिफरेंशियल करिए, हो सकता है इसी पे इंटीग्रेशन लगा दें इतने डी एक्स, आप इसका इंटीग्रेशन करिए। तो सारी बातों में मुझे क्या करना होता है, क्वेश्चन को इनवर्स फंक्शन को सरल करना होता है। अब प्रयास ये करिए कि इनवर्स फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन खत्म हो जाए, मिनिमम मान रह जाए। तो जब भी आप देखिए बेटा दो बातें ध्यान रखिए, अगर कभी इस तरह का फंक्शन आ जाए जैसे टू ए बटे एक्स में ही लिखे दे रहे, टू एक्स बटे वन माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए, टू एक्स बटे वन प्लस एक्स स्क्वायर आ जाए, और वन माइनस एक्स स्क्वायर बटे वन प्लस एक्स स्क्वायर आ जाए, तो एक्स बराबर सदैव टेन थीटा मानना है, ये आप अपना नोट रखिएगा, क्योंकि आगे डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन में आप ये बातें सीखेंगे। इस तरह का मान हो तो सदैव एक्स बराबर टेन थीटा मानेंगे। तो यहाँ पर देखिए बेटा ये भी इस तरह का, ये भी इस तरह का, तो आप यहाँ पर मान लीजिएगा लेट, चूंकि प्रतिलोम फलन और ट्रिग्नोमेट्री फलन को मिला के इस तरह सरल करना है, यह फंक्शन छोटा हो जाए, एक्स इजिकल टेन ए मान लो, ठीक है बेटा, और वाई इजिकल टेन बी मान लो, टेन बी, तो देखिए बेटा टेन वन बाई टू, इसको आप लिख सकते हो साइन इनवर्स टू टेन ए ओवर वन प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है बेटा, प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर बी ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर बी, ब्रिकेट क्लोज। यहाँ देखिए टेन 1 बाई टू, यह मान अगर आपको ध्यान आया हो तो ये किसी का सूत्र होता है, क्या होता है बेटा, साइन 2a प्लस कॉस इनवर्स, यह ध्यान आया हो तो ये होता है कॉस 2a, तो यहाँ एंगल b है, तो देखिए बेटा इनवर्स इनवर्स खत्म हो गया, आपका बच्चा टेन 1 बाई टू बाहर रखा है, या देखिए ये समाप्त ये समाप्त, तो क्या बचा 2a प्लस 2b, ये तो बचा 2 कॉमन लेके काट दो, तो आपका रहेगा 10a प्लस b। फिर समझिएगा बेटा क्या किया मैंने, चूंकि ये सूत्र हमको याद होने चाहिए कि tan 2 थीटा कब होता, 2 tan बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर, 1 प्लस टेन स्क्वायर तो साइन 2, 1 माइनस टेन स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर cos 2 में होता है। तो देखिए बेटा ये 2 से 2 कट गया, 10a प्लस b, 10a प्लस बी को यदि ओपन करते हैं तो ये आएगा 10a प्लस 10b ओवर 1 माइनस 10a इंटू 10b। अब चूंकि ये बेटा चीज़ें मैंने मानी थी 10a 10b को, अब इसके मान रख दीजिएगा, 10a का मान क्या x प्लस y ओवर 1 माइनस एक्स वाई। तो डियर स्टूडेंट देखिए इनवर्स फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दिया हुआ था, मैंने इसको सरल करके निकाल लिया x प्लस वाई ओवर 1 माइनस एक्स वाई, अब इसका डिफरेंशियल इंटीग्रेशन हो वो थोड़ा सा इजी हो सकता है इसकी तुलना में, ठीक है। बाकी सिंपल आप समझ गए होंगे कि अगर इस तरह का फॉर्मेट आ जाए तो आपको सदैव टेन थीटा मानना है, इसको नोट करिएगा बेटा, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। अगले क्वेश्चन बेटा चलते हैं, क्वेश्चन दिया हुआ टेन इनवर्स एक्स ओवर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए मैंने ये सवाल इसलिए कलेक्ट किया है कि यही क्वेश्चन आपका इंटीग्रेशन में आ सकता है, यहाँ इंटीग्रेशन चिन्ह बना हुआ डी एक्स लिखा हुआ, यही क्वेश्चन आपका डिफरेंशियल डी ओवर डी एक्स आप इसका निकालिए, तो आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है, यदि किसी क्वेश्चन में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूप आ जाए तो आपको हमेशा एक्स बराबर ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा मानना है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है बेटा। और अगर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ जाए तो
तो x बराबर 8 tan थीटा मानेंगे या 1 cot थीटा मानेंगे, क्लियर। और अगर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर आ जाए तो x बराबर a sec थीटा और a cosec थीटा, ये हमको ध्यान रखना है बेटा, ठीक है। तो जैसे ही मैंने देखा यह फंक्शन, अब चूंकि मैंने आपको पहले ही बताया इस तरह का कलेक्शन सिर्फ इसलिए किया है, इसमें आप इनवर्स फंक्शन भी सीखोगे, आगे डिफरेंशियल सीखोगे, तब भी ये क्वेश्चन आ सकता है आपका। इस तरह लिखा हो कि डी डी एक्स ऑफ दिस करिए, आगे आप इंटीग्रेशन पढ़ोगे तो इस तरह लिखा हो सकता है इसका इंटीग्रेशन करिए। तो इन सारे पॉइंट्स के लिए आपको सबसे पहले पितलोम फलन को सरल करना है। तो देखो बेटा, सरल करने के लिए मैंने आपसे कहा कि ये प्रॉपर्टीज हैं, इनको आपको याद रखना है कि इस तरह का फंक्शन हो तो मुझे क्या मानना। तो देखो बेटा, लेट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो एक्स इज इक्वल ए साइन थीटा मान लो, चाहे कॉस मान लो, जो आपका मन करे। अब देखो बेटा, ये मैंने यहाँ रखा टेन इनवर्स एक्स, एक्स के जगह ए साइन थीटा ओवर अंडर रूट ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो मतलब ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। टेन इनवर्स ए साइन थीटा ओवर ए स्क्वायर कॉमन ले लीजिएगा तो ए स्क्वायर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्लियर। तो टेन इनवर्स ए साइन थीटा ओवर ए अंडर रूट से बाहर निकल जाएगा और वन माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो फाइनली आप इसको लिख सकते हो, तो देखो ए से एक काट दीजिएगा, ये इसके एंगल में। तो देखो टेन इनवर्स साइन थीटा कॉस स्क्वायर पे अंडर रूट लगाए तो ये जाएगा कॉस थीटा, तो ये फाइनली आपका बन गया टेन इनवर्स टेन थीटा। अब पितलोम फलन और ट्रिग्नोमेट्री फलन समाप्त। तो आपका रहेगा थीटा, और थीटा मैंने यहाँ से निकालना है चूंकि एक्स अपॉन एज इक्वल साइन थीटा, एक्स अपॉन एज इक्वल साइन थीटा, थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो बिल्कुल सिंपल बेटा, आप इसी का डिफरेंशियल अगर पूछा हो तो डिफरेंशियल कर सकते हैं, इंटीग्रेशन पूछा इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो हमारे दिमाग में ये फीलिंग रहे कि इस तरह का कभी आ जाए तो आप ए साइन या कि ए कॉस माने, मैंने साइन माना है तो ये टेन बन गया, और टेन थीटा यानी थीटा, थीटा का मान यहाँ से देखिए बेटा, एक्स ओवर एज इक्वल साइन थीटा, तो थीटा इज इक्वल साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल है बेटा, मैंने कहा क्वेश्चन का कलेक्शन बहुत अच्छा है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, अगला देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, इन्होंने दिया हो सिद्ध करो, ये कहा सिद्ध करो टू टेन इनवर्स रूट बी अपॉन ए इज इक्वल कॉस इनवर्स ए माइनस बी ओवर ए प्लस बी। देखिए हमको प्रूफ करना है, ठीक है बेटा। इस तरह का ये भी मैंने पहले ही कहा कि सारे सवाल मैं इम्पोर्टेंट कलेक्ट किए हूँ, ठीक है। तो देखो बेटा, इस क्वेश्चन में आप क्या करिएगा, सिंपल सा जैसे लेफ्ट हैंड साइड ले लो LHS, LHS ले लीजिएगा। तो LHS में हम अगर देखेंगे टू टेन इनवर्स रूट बी अपॉन ए, ये हमारा दिया, इसको मान लो ए लेट माना गया, ठीक है बेटा। तो यहाँ देखिए टेन इनवर्स रूट बी अपॉन ए इज इक्वल हो जाएगा ए बाई टू, सिंपल। तो रूट बी अपॉन ए इज इक्वल आपका हो जाएगा टेन ए बाई टू, यानी टेन ए बाई टू का मैंने मान निकाल लिया। अब आप जानते हो चूंकि कॉस थीटा, अगर हम थीटा ले लें जैसे सूत्र ले लें, कॉस थीटा, कॉस थीटा होता है वन माइनस टेन स्क्वायर, जब यहाँ थीटा होगा तो थीटा बाई टू ओवर वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई टू, यह मेरे पास सूत्र होता है, ठीक है। इसी सूत्र के रिगार्ड में हम रखेंगे, देखो बेटा, तो यहाँ पर हम कॉस थीटा ले लें या जो भी ले लें, चूँकि हमारा एंगल अब क्या है ए है, यहाँ पर मुझे ये लाना है, ठीक। तो देखो जैसे हम कॉस ए को लिखें तो कॉस ए बराबर कॉस ए क्या हो जाएगा, वन माइनस टेन स्क्वायर ए बाई टू ओवर वन प्लस टेन स्क्वायर ए बाई टू, सिंपल। तो देखो कॉस ए का मान हमारा आ गया कॉस ए वन माइनस, अब टेन ए बाई टू मैंने निकाला है बी अपॉन ए अंडर रूट में, तो ये स्क्वायर करेंगे तो ये हट जाएगा बी अपॉन ए, इनका एलसीएम लिया तो ए माइनस बी ओवर ए, इधर ए प्लस बी ओवर ए, ए से कट गया। तो यहाँ से बेटा हमारा आ गया कॉस इनवर्स
ए माइनस बी ओवर ए प्लस बी। और इसी ए को कॉस इनवर्स एक्स लिया और मैंने ए को क्या माना था, ए है, ठीक है। अतः टू टेन इनवर्स रूट बी अपॉन ए इज इक्वल कॉस इनवर्स ए माइनस बी ओवर ए प्लस बी। बिल्कुल सिंपल और महत्वपूर्ण भी है, कई बार पेपर में आया, इसको नोट कर लीजिएगा। कंटिन्यू बने रहिए वीडियो में, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न सीखेंगे। अगला प्रश्न बेटा देखिएगा, एक क्वेश्चन इस तरह दिया है, टेन इनवर्स कॉस एक्स ओवर वन माइनस साइन एक्स, ठीक। यह भी बेटा इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल दोनों में है। तो यहाँ पर देखिएगा बेटा, हमको क्या करना है, पहले तो ये समझ लो, यदि साइन एक्स के साथ वन है तो कुछ और करना पड़ेगा, कॉस एक्स के साथ यदि वन हो तो हम हाफ एंगल में तोड़ देंगे, वन को समाप्त कर देंगे। तो यहाँ पर बेटा समझ लीजिएगा, और यह क्वेश्चन इंटीग्रेशन डिफरेंशियल दोनों में है। तो आप जानते हो साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल कॉस थीटा, और अगर कॉस 90 माइनस थीटा की बात करें तो यह आपका साइन थीटा, क्लियर। यह थीटा में एक्स है तो एक्स लिख दीजिएगा। तो इसको इस तरह सरल करेंगे, कॉस एक्स को लिख सकते हैं साइन पाई बाई टू माइनस एक्स लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स, सिंपल, ठीक। अब देखो टेन इनवर्स साइन पाई बाई टू माइनस एक्स, इसको हाफ एंगल में तोड़ दो, तो देखिए बेटा वन माइनस कॉस थीटा, ये थीटा की जगह है, कॉस थीटा को लिख सकते हो वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, ठीक। पूरे पे बड़ा कोष्ठक लगा दो, देखो वन से वन खत्म हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब अंश में हमारे दिया है, अंश में हमारे साइन थीटा, साइन थीटा को लिख सकते हो टू साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू ओवर टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, क्लियर। यहाँ पर मंझला कोष्ठक लगा दो, देखो बेटा दो से दो कट गया, साइन स्क्वायर से ये कट गया, ठीक है, कॉस बटे साइन हो गया। तो आपका कॉस बटे साइन क्या हो जाएगा, देखो बेटा कॉस, अब पाई बाई टू माइनस एक्स बटे दो, पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू हो गया, तो कॉस बटे साइन हो गया कॉट, कॉट पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू, बहुत सिंपल, फिर समझिएगा, कॉस बटे साइन पाई बाई टू माइनस एक्स बाई टू, तो पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू, पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू, कॉस बटे साइन कॉट हो गया। हम जानते हैं चूंकि प्रतिलोम फलन और ट्रिग्नोमेट्री फलन समाप्त करना है, तो टेन इनवर्स इसको लिख सकते हो टेन नब्बे माइनस थीटा पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू, और यहाँ मंझला कोष्ठक, देखो बेटा टेन नब्बे माइनस थीटा इक्वल कॉट थीटा, ये समाप्त हो गया। तो आपका बचा पाई बाई टू माइनस पाई बाई फोर माइनस माइनस प्लस का एक्स बाई टू, तो देखिए पाई बाई टू टू पाई बाई फोर, यानी कि आपका बचा पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू। अब यही भी बेटा अगर इंटीग्रेशन पूछा जाए तो आप इसी का इंटीग्रेशन करेंगे, डिफरेंशियल पूछा जाए तो इसी का डिफरेंशिएशन करेंगे। बहुत अच्छा सवाल है, इसको नोट करिएगा बेटा। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, टेन इनवर्स अंडर रूट वन प्लस एक्स माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स ओवर अंडर रूट वन प्लस एक्स प्लस अंडर रूट वन माइनस एक्स। देखो बेटा एक तो यह सवाल है, दूसरा एक और इसी प्रकार का उसमें दिया वन प्लस एक्स स्क्वायर वन माइनस एक्स स्क्वायर वन प्लस एक्स स्क्वायर वन माइनस एक्स स्क्वायर, एक जगह एक्स स्क्वायर दिया, बहुत ध्यान से समझिएगा। और एक इसी तरह का सवाल कॉट इनवर्स में है, एक्स में और एक्स स्क्वायर में, तो यहाँ पर एक्स दिया हो तो एक्स को मानना है और एक्स स्क्वायर दिया हो तो एक्स स्क्वायर को मानना। जब प्लस माइनस दोनों राशियाँ दी हो, जैसे आपने जान रखा है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तब तो आप साइन या कॉस मान सकते हैं, प्लस है तो टेन या कॉट मान, यहाँ पर दोनों राशियाँ हमेशा कॉस को मानिएगा। तो लेट एक्स इज इक्वल कॉस थीटा, एक्स इज इक्वल कॉस थीटा, अगर यहाँ एक्स स्क्वायर होता तो एक्स स्क्वायर बराबर कॉस थीटा मानते, इस बात को ध्यान में रखिएगा, चूँकि इस तरह के चार सवाल हैं टेन और कॉट दोनों में। तो देखिए बेटा टेन इनवर्स यहाँ पर लिखोगे वन प्लस कॉस थीटा, वन प्लस कॉस थीटा माइनस
वन माइनस कॉस थीटा ओवर वन प्लस कॉस थीटा और प्लस वन माइनस कॉस थीटा, सिंपल। अब आप क्या करिएगा, कॉस थीटा को हाफ एंगल में तोड़ दो, क्योंकि कॉस और वन ये जन्मजात दुश्मन है। तो देखो बेटा, इसको आप हाफ एंगल तोड़ेंगे तो लिखेंगे टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस वन, इसको लिखेंगे वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, सिंपल। यहाँ देखो, वन प्लस टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस वन, और यहाँ प्लस वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, ब्रिकेट क्लोज। देखो बेटा, प्रत्येक में वन से वन समाप्त हो जाएगा, ठीक। दो यहाँ है, दो यहाँ है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो अंडर रूट दो कॉमन हो जाएगा। तो देखिए बेटा, अंडर रूट दो, पहले एक बार छोटा सा लिख दें, अंडर रूट दो, और यहाँ हो गया कॉस स्क्वायर यानी कॉस थीटा बाई टू, कॉस थीटा बाई टू माइनस साइन थीटा बाई टू, सिंपल। ओवर रूट टू कॉस थीटा बाई टू प्लस साइन थीटा बाई टू, ये ब्रैकेट क्लोज और रूट टू से रूट टू कट गया। अब बेटा टेन इनवर्स है तो अंदर का मान या टेन बन जाए तो टेन इनवर्स समाप्त हो जाएगा। तो हम कॉस थीटा बाई टू कॉमन ले लें, क्या कॉमन ले लिया, कॉस थीटा बाई टू, अंश से भी और हर से भी, ठीक। तो यहाँ देखिए वन हो गया, यहाँ जब है नहीं तो आपका आ जाएगा साइन थीटा बाई टू बटे कॉस थीटा बाई टू, सेम प्रोसेस हर में, साइन थीटा बाई टू बटे कॉस थीटा बाई टू, ये भी समझ में आया होगा। तो ये हो गया टेन इनवर्स वन माइनस टेन थीटा बाई टू ओवर वन प्लस टेन थीटा बाई टू, और हम जानते हैं वन मान हमारा किसका होता है, टेन पाई बाई फोर का। तो इसको लिख सकते हैं टेन इनवर्स टेन पाई बाई फोर माइनस टेन थीटा बाई टू, ठीक है बेटा। इसके इनटू में वन होगा तो वन प्लस टेन पाई बाई फोर और टेन थीटा बाई टू, सूत्र बना है टेन ए माइनस टेन बी बटे वन प्लस टेन ए टेन बी। तो यह आपका हो गया टेन इनवर्स टेन ए माइनस बी, टेन ए माइनस बी, बी की जगह क्या है बेटा, थीटा बाई टू। तो देखिए यह समाप्त हो गया, तो आपका रह गया पाई बाई फोर माइनस थीटा बाई टू। अब थीटा मैंने यहाँ से माना था तो कॉस इनवर्स एक्स हो गया, तो पाई बाई फोर माइनस वन बाई टू कॉस इनवर्स एक्स। ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट्स, अगर यहीं पर एक्स स्क्वायर होता तो एक्स स्क्वायर को कॉस थीटा मानते, आंसर आया था पाई बाई फोर माइनस वन बाई टू कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर, ठीक है बेटा। कॉट अगर होता यहाँ पर, कॉट होता तो ये आपका टेन बन के आया, इसको कॉट नब्बे माइनस थीटा लिख देते तो हमारा आंसर आ जाता। तो इस तरह का क्वेश्चन, एक प्रश्न इस तरह का है, वन प्लस साइन एक्स वन माइनस साइन वन प्लस साइन वन माइनस साइन, ठीक है बेटा। उसमें क्या करना है, साइन को पहले आप बना लीजिएगा कॉस 90 माइनस एक्स से, और फिर सेम प्रोसेस हाफ एंगल में तोड़ दीजिएगा। तो ये सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। फिर हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलते हैं बेटा अगले प्रश्न पर। अगला क्वेश्चन इस तरह दिया हुआ है, इन्होंने कहा सिद्ध करो कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट वन माइनस एक्स बाई टू, ठीक है बेटा। साइन को कॉस में बदलवा सकते हैं, कॉस में साइन, कॉस को साइन में बदलवा सकते हैं। तो इन बातों को हमको त्रिकोणमिति के सूत्रों से हल करना है, ठीक है बेटा। तो देखो, लेट कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल ए मान लो, क्लियर। तो यहाँ से हो गया एक्स इज इक्वल कॉस ए, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं मुझे। देखिए बेटा, टू और लगा, इसका मतलब इसको हाफ एंगल में तोड़ना है, तो साइन में बना लीजिएगा इसको। तो देखिए, इसको आप लिख सकते हो वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए बाई टू लिख सकते हैं, इसको इधर ले आइएगा। तो टू साइन स्क्वायर ए बाई टू इज इक्वल वन माइनस एक्स, एक्स उधर ये इधर, तो साइन स्क्वायर ए बाई टू इज इक्वल वन माइनस एक्स बाई टू। तो साइन ए बाई टू इज इक्वल अंडर रूट वन माइनस एक्स बाई टू, तो आपका आ जाएगा ए बाई टू इज इक्वल, ये साइन जब उधर जाएगा तो इनवर्स बन जाएगा
साइन इनवर्स अंडर रूट वन माइनस एक्स बाई टू, तो ए इज इक्वल हो जाएगा टू साइन इनवर्स अंडर रूट वन माइनस एक्स बाई टू। सिंपल है बेटा, केवल त्रिकोणमिति को हल किया। फिर देख लो एक्स स्क्वायर कॉस ए, कॉस ए को ये लिख सकते हैं, ये इधर ले आए टू साइन स्क्वायर ए बाई टू वन माइनस एक्स, साइन स्क्वायर ए बाई टू वन माइनस एक्स बाई टू, तो साइन ए बाई टू अंडर रूट वन माइनस एक्स बाई टू। अब बेटा ए मैंने क्या माना था, ये माना था, तो अतः कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स रूट वन माइनस एक्स बाई टू। ठीक है बेटा, बिल्कुल सिंपल है, इसको नोट करिएगा। एक और इसी तरह का सिंपल प्रश्न, थोड़ा सा बड़ा है, इसको नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर लिखे दे रहे, ये भी कई बार पेपरों में आया बेटा, कि साइन इनवर्स एक्स, कंडीशन दी है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई और प्लस साइन इनवर्स जेड इज इक्वल पाई, तो सिद्ध करो इन्होंने कहा तो दिखाइए एक्स रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड रूट वन माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स बाई जेड। ठीक है बेटा, अब देखिए यहाँ पर आप क्या करें, ये हमको दिखाना है यानी दर्शाना है, तो आप क्या करिएगा, जैसे लेट एक्स बराबर साइन ए मान लो, या डायरेक्ट यही ज़्यादा अच्छा है, एक्स बराबर साइन ए, वाई बराबर साइन बी और जेड बराबर साइन सी। तो हम ये भी जान रहे हैं कि एक्स प्लस वाई प्लस, देखो बेटा यहाँ से साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या आएगा, साइन इनवर्स एक्स बराबर ए, तो हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, तो ए प्लस बी प्लस सी 180 अंश, ये हमारी कंडीशन दी है। अब ये मान यहाँ रख दीजिएगा, तो आप लिखोगे साइन ए इंटू, मैंने लेफ्ट साइड लिया लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड ले ली, वन माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस साइन बी अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन सी अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर सी। तो देखो बेटा ये हो गया साइन ए, वन माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए अंडर रूट के बाहर आया तो कॉस ए, सेम प्रोसेस साइन बी और कॉस बी, सेम प्रोसेस साइन सी इंटू कॉस सी, दो का गुणा और दो का भाग कर दो, दो का गुणा और दो का भाग कर दीजिएगा, तो वन बाई टू यह हो गया साइन ए कॉस ए प्लस टू साइन बी कॉस बी प्लस टू साइन सी और कॉस सी, तो फाइनली वन बाई टू यह हो गया आपका साइन टू ए प्लस साइन टू बी और प्लस साइन टू सी। सिंपल, सर्वसमका से यदि आपको सर्वसमका ध्यान हो तो साइन टू ए प्लस साइन टू बी प्लस साइन टू सी, इसको हम लिख सकते हैं फोर साइन ए साइन बी और साइन सी, दो से ये कट गया तो टू और साइन ए का मान बेटा क्या है एक्स, साइन बी का मान वाई और साइन सी का जेड। तो ये भी बेटा बहुत अच्छा प्रश्न है, जैसे एक्स रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड रूट वन माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, सिद्ध करना है, शर्त दी है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड इज इक्वल पाई। तो देखो ये मैंने एक्स बराबर साइन ए मान लिया, वाई बराबर साइन बी, जेड बराबर साइन सी, यहाँ रख दो बेटा, तो ए प्लस बी प्लस सी पाई आ जाएगा, यही होता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। लेफ्ट साइड पे वैल्यू रखा और राइट साइड हमको प्राप्त हो गया। स्क्रीनशॉट लीजिएगा बेटा, आगे चलते हैं बेटा। एक प्रश्न इस तरह दिया है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल पाई बाई टू। तो देखो बेटा हम यह जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स और प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल पाई बाई टू हमारे दिया है, और जो हमको सिद्ध करना है इसमें हमको वाई तो लाना ही है, तो यानी कि इसको टच नहीं करना। तो यहाँ से देखो बेटा ये दिया हुआ साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल पाई बाई टू, तो साइन इनवर्स वाई इज इक्वल पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। ठीक है बेटा,
अब ध्यान दीजिएगा, साइन इनवर्स एक्स को हम कुछ लिख सकते हैं, वो मैं आपको बता दूं। साइन इनवर्स पाई जुकल पाई बाई टू। देखो बेटा, साइन इनवर्स एक्स को कॉस इनवर्स इसमें बदलना है तो एक सूत्र समझ लीजिएगा। एक हमारे पास सूत्र होता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इजिकल पाई बाई टू। ठीक है बेटा, तो पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, तो इस जगह हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स एक्स। ये प्रूफ हो गया। देखो बेटा, इसको भी प्रूफ समझ लीजिएगा। जैसे देखो बेटा, हम जैसे मान लें, लेट साइन इनवर्स एक्स इजिकल ए मान लें, तो एक्स बराबर आपका साइन ए हो गया। तो एक्स बराबर इसको आप लिख सकते हो कॉस 90 माइनस ए। ये समीकरण एक मान लो। इधर देखो बेटा, इसको अगर हम इधर छोड़ दें पाई बाई टू माइनस ए, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स। यह समीकरण दो मान लो। अब दोनों को जोड़ दीजिएगा बेटा, तो देखो ए से ए कट जाएगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इजिकल आपका पाई बाई टू आ गया। तो इस सूत्र से मैंने निकाल के भी दिखा दिया है, यहाँ पर आप लिख सकते हो कॉस इनवर्स एक्स। आप यहाँ लिख देना चूंकि ये होता है। ठीक है बेटा, प्रूफ भी मैंने दिखा दिया। अब जैसे आगे हमसे दो प्रश्न, ये अगला प्रश्न एक इन्होंने कहा है, यदि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इजिकल टू पाई बाई थ्री और कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई इजिकल पाई बाई थ्री, तो दोनों समीकरणों को एक जैसा कर लो। जैसे बेटा देखो, ये आपका समीकरण मान लो एक है, यह समीकरण दो है, तो समीकरण दो में देख लो कॉस इनवर्स एक्स की जगह लिख सकते हो पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, सिंपल। और कॉस इनवर्स बाई की जगह लिख सकते हो पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स बाई, और इजिकल पाई बाई थ्री दिया है, तो यह हो गया आपका माइनस साइन इनवर्स एक्स, और ये तो आपका कट जाएगा, और प्लस का साइन इनवर्स बाई इजिकल पाई बाई थ्री। और जो समीकरण एक दिया है वह दिया है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स बाई इजिकल टू पाई बाई थ्री, दोनों को जोड़ दीजिएगा, ये कट गया टू साइन इनवर्स बाई पाई बाई थ्री, और टू पाई बाई थ्री थ्री पाई बाई थ्री यानी पाई हो गया, तो यहाँ से साइन इनवर्स बाई इजिकल हो गया पाई बाई टू, तो बाई इजिकल हो गया साइन पाई बाई टू अर्थात वन। बाई का मान साइन 90 का मान एक होता है। अब बाई का मान चाहे एक यहाँ रख दीजिएगा चाहे एक यहाँ रख दीजिए। जैसे देखो बेटा, साइन इनवर्स एक्स इसमें रख दो, चाहे जिसका आपका मन करे वो रख दीजिएगा। जैसे देखो मान रख के भी दिखा रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल है। इस तरह का भी प्रश्न आपसे एक्स बाई का मान पूछ सकता है। बाई का मान तो यहाँ देखो बेटा, साइन इनवर्स बाई पाई बाई टू यहाँ रख दीजिएगा पाई बाई टू, तो देखो बेटा साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स बाई का मान क्या निकला पाई बाई टू इजिकल टू पाई बाई थ्री, तो यहाँ से आपका हो गया साइन इनवर्स एक्स इजिकल टू पाई बाई थ्री माइनस पाई बाई टू। एलसीएम आया 6, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 और 3 पाई, तो आपका फाइनली क्या बचा बेटा पाई बाई 6 यानी कि 30 अंश, तो ये साइन इनवर्स एक्स है, तो एक्स बराबर साइन पाई बाई 6 साइन पाई बाई 6, तो यानी कि एक्स का मान कितना हो गया साइन 30 का मान 1/2 होता है। तो डियर स्टूडेंट, बिल्कुल सिंपल है यह क्वेश्चन, और मैंने कहा यह जो मैं आपको वन शॉट दे रहा हूँ, इसमें जो क्वेश्चन अभी तक अनसोल में आए हुए हैं उसमें से महत्वपूर्ण और वह भी क्वेश्चन मैंने रखे हैं कि जिनकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंशियल में भी है, इंटीग्रेशन में भी और इनवर्स फंक्शन में भी है। स्क्रीनशॉट लीजिएगा बेटा। देखो बेटा, अगले प्रश्न में इस तरह दिया हुआ है, यदि कॉस इनवर्स एक्स बाई टू प्लस कॉस इनवर्स बाई बाई थ्री इजिकल थीटा, तो हमको यह प्रूफ करना है। ठीक, तो देखो बेटा हम इसको ले लें कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स बाई इजिकल कॉस इनवर्स एक्स बाई टू और ये बाई बाई थ्री इजिकल थीटा। हमारे पास सूत्र होता है कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स बाई का, तो देखो सूत्र भी मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ, बाकी आप सूत्र जरूर देख लीजिए, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स बाई। तो इसको लिख सकते हैं कॉस इनवर्स एक्स बाई प्लस वाले माइनस होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस बाई स्क्वायर। ठीक है बेटा, और अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यह सूत्र आपको पता होने चाहिए। तो इसको लिख सकते हैं कॉस इनवर्स एक्स बाई, तो एक्स बाई टू इंटू बाई बाई थ्री
एक्स वाई हो गया माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बटे चार हो गया। अंडर रूट वन माइनस बाई स्क्वायर, तो बाई स्क्वायर बटे नौ हो गया। कोष्टक बंद और इजिकल थीटा, इसको उधर भेज दीजिएगा। तो ये हो गया एक्स बाई ओवर सिक्स माइनस, यहाँ आ जाएगा अंडर रूट फोर माइनस एक्स स्क्वायर बटे चार, तो अंडर रूट के बाहर दो। यहाँ हो जाएगा नाइन माइनस बाई स्क्वायर, नौ अंडर रूट के बाहर तीन, इजिकल कॉस इनवर्स को इधर लाए तो कॉस थीटा। ठीक है बेटा, सिक्स ये भी सिक्स, तो सिक्स को उधर भेज दीजिए। तो एक्स बाई माइनस अंडर रूट, अब इनका बेटा देखिए फोर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट नाइन माइनस बाई स्क्वायर इजिकल सिक्स कॉस थीटा। यह जो एलसीएम लिया छः, यहाँ भी छः इंटू में ही तो है ये। अब आपको क्या करना है, इनका गुणा कर लीजिएगा एक स्टेप में। एक्स बाई माइनस, दोनों फोर का किया तो छत्तीस माइनस फोर बाई स्क्वायर माइनस नाइन एक्स स्क्वायर और प्लस का एक्स स्क्वायर और बाई स्क्वायर, ये मैंने गुणा कर दिया, बराबर आपका रखा सिक्स कॉस थीटा। अब अंडर रूट वाला टर्म एक तरफ कर लो, बाकी एक तरफ कर लो। देखो ये इधर लाए तो एक्स बाई माइनस सिक्स कॉस थीटा, कॉस थीटा को इधर ले आई, इसको बराबर को उधर भेज दिया, तो अंडर रूट छत्तीस माइनस फोर बाई स्क्वायर माइनस नाइन एक्स स्क्वायर और प्लस का एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, दोनों ओर वर्ग करने पर, वर्ग करने पर। अब जब बेटा वर्ग करेंगे तो ध्यान दीजिएगा इधर होल स्क्वायर बनेगा, इस पूरे का होल स्क्वायर होगा, तो पहली का वर्ग धन दूसरी का वर्ग, तो छत्तीस कॉस स्क्वायर थीटा। ऋण दोनों के गुणनफल का दूना, तो छः दूनी बारह एक्स बाई कॉस थीटा इजिकल, इधर अंडर रूट हट जाएगा, छत्तीस माइनस फोर बाई स्क्वायर माइनस नाइन एक्स स्क्वायर और प्लस का एक्स स्क्वायर और बाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है बेटा, अब मुझे लाना नाइन एक्स स्क्वायर, सारे पद इधर ले आओ, नाइन एक्स स्क्वायर हो गया, बाई स्क्वायर आया फोर बाई स्क्वायर हो गया, माइनस का ट्वेल्व एक्स बाई कॉस थीटा रखा है, ठीक बराबर छत्तीस। अब देखो बेटा छत्तीस वाले ये दोनों टर्म है, इनको हम उधर ले गई, छत्तीस कामन ले लिया, तो यहाँ हो गया वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा, तो नाइन एक्स स्क्वायर प्लस फोर बाई स्क्वायर माइनस ट्वेल्व एक्स बाई कॉस थीटा इज इक्वल छत्तीस वन माइनस कॉस स्क्वायर, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, यही हमको प्रूव करना था। डियर स्टूडेंट्स, चूँकि वन शॉट है, थोड़ा सा मैंने स्पीड में भी बताया है, और यदि आपको कहीं पर ट्रिग्नोमेट्री का इन्वर्स फंक्शन में कहीं पे भी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप मेरे चैनल के होम पेज पे जाइएगा, होम पेज पे प्लेलिस्ट पे जाइएगा, और प्लेलिस्ट पे बाकायदा प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें आप जिस तरह का टॉपिक चाहिए वह टॉपिक आप उसमें सर्च करके ढूंढ सकते हैं, और सर्च करने के बाद उसको आप सीख सकते हैं। बाकी आज के इस वीडियो में जितना मैंने महत्वपूर्ण समझा और मैंने पेपरों से कलेक्ट किया, वह सब मैंने आज के इस वीडियो में आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में दे दिया है। आगे मिलते हैं बेटा अगले अध्याय के साथ, अगले वीडियो में, तब तक के लिए